हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा नीति आयोग के प्रिंसिपल्स। नीति आयोग के प्रिंसिपल्स पर अब की बार मेंस में क्वेश्चन आ चुका है GS3 के अंदर, और उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीति आयोग योग के बेसिक प्रिंसिपल्स की। तो क्या है वो ट्रिक? आई मेड अ ट्रिक विच इज नोन एज आ VIP SDG। आ VIP SDG, आ से आ गया आपके पास अंत्योदय, अंत्योदय। वी फॉर विलेज, आई फॉर इंक्लूसिव एंड पी फॉर, अगर हम यहाँ पे की बात करें तो पी का मतलब है यहाँ पे पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टनरशिप। उसके बाद आते हैं हम एस पे। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। डी का मतलब, यस आपने सही जाना, डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक डिविडेंड। एंड जी का मतलब, जी का क्या मतलब है, क्या हो सकता है? गुड गवर्नेंस। सो दिस इज द ट्रिक विच आई मेड फॉर माई सेल्फ रिलेटेड टू द नीति आयोग बेसिक प्रिंसिपल आ VIP SDG। और इस पे GS3 के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है, और अगर GS3 में क्वेश्चन आया तो मेन प्रीलिम्स में, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में भी यह क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। और इसके ऊपर ये भी पूछा जा सकता है कि इसको फर्दर डिवाइड करो। तो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड पता ही है कि हमारे देश के अंदर यूथ की जनसंख्या जो है, हमारे देश के अंदर यूथ की जो पॉपुलेशन वो काफ़ी हाई है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक को इन्हेंस करने के लिए, अपनी इंडिया को एक सुपर पावर बनाने के लिए। यूथ का एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे हो सकता है, अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, और जो भी हमारी पॉलिसीज है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था सोलर मिशन, तो वो सोलर मिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सस्टेनेबिलिटी लाता है। एग्रीकल्चर के अंदर भी हमें सस्टेनेबल पॉलिसीज यूज़ करने की जरूरत है, इंडस्ट्री के अंदर भी सस्टेनेबल पॉलिसी यूज़ करने की जरूरत है, वाटर जो हमारा वाटर भी सस्टेनेबल वे में यूज़ होना चाहिए। और दूसरी बात है पब्लिक पार्टनरशिप, हर काम के अंदर पब्लिक की पार्टनरशिप होनी चाहिए, तभी पब्लिक उससे इंटीग्रेटेड, उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगी और तभी उस चीज़ की रिस्पेक्ट करेगी। अगर आप देखो कि कहीं भी वॉयलेंस होता है, जैसे जहाँ पर भी प्रोटेस्ट होते हैं, तो वहाँ सबसे पहले बसों को आग लगाई जाती है। अगर लोगों को ये पता हो कि वो जो बसें हैं, अगर जब वो बसें परचेज़ की जाएंगी और लोग 5-5, 10-10 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे उस बस को परचेज़ करने में, तो क्या आपको लगता है कि वही लोग जिन्होंने 5-5, 10-10 रुपया दिया है उस बस को परचेज़ करने के लिए, उसको आग लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पब्लिक पार्टनरशिप हुई है। इसी तरह इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब हर आदमी को साथ ले करके चलना, ये होता है इंक्लूसिव, हर गरीब हर अमीर को। दैट DPSP के अंदर भी बोला गया कि जो हमारा वेल्थ है, वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो हमारे देश के अंदर वेल्थ है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है जो DPSP के अंदर दिया गया है, और सरकार उसके लिए इसी बेस पे बुढ़ापा पेंशन दी जाती है, इसी बेस पे PDS दिया जाता है, इसी बेस पे बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, क्योंकि सरकार क्या चाहती है, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहती है हर किसी की। और तीसरी बात, नीति आयोग की सबसे बड़ी खास बात ये रही है कि उसने विलेज सेंट्रिक है, वो जो पॉलिसी बनाएगी विलेज फोकस बनाएगी, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा था कि हमारा भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है। अगर हम गांव के ऊपर फोकस करेंगे तो इंडिया की ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी, और पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और उसके बाद आता है A4 अंत्योदय। ये प्रिंसिपल है, किसकी आइडियोलॉजी से लिया गया है अंत्योदय, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन है वो। इस पर अगले प्रीलिम्स में क्वेश्चन 100% आएगा। अंत्योदय इज़ अ आइडियोलॉजी रिलेटेड टू, and that's I left to you, answer it in the comment. Thank you. I think you will like my trick related to the NITI Aayog principles. Thank you.